दुख पर अगर ध्यान दीजिएगा ना तो आपको हमेशा दुखी रहेगा। दुख पर अगर ध्यान देते हैं तो आप हमेशा दुखी रहेगा, अगर सुख पर ध्यान देते हैं तो आप हमेशा सुखी रहिएगा। और जिस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा वो सक्रिय हो जाती है। ध्यान सबसे बड़ा कुंजी है। आप जहाँ पर है ना, जिस चीज़ का आप चिंतन करते हैं, जिस चीज़ पर आप ध्यान रखते हैं, वही चीज़ आपको होता है। अगर देखिए किसी को ज़्यादा परेशानी है तो बोलेगा कि मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बहुत चीज़ हूँ, ये सब बहुत सब बातें बताते हैं, लेकिन उनको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता है। कभी रास्ता मिलता है तो फिर उस पर विश्वास नहीं करते हैं, कि अगर कोई भी बताएगा तो उस पर विश्वास नहीं करेगा कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे और क्या ऐसे रहेंगे, ये सब है ना परेशानियाँ हो जाता है। ये ध्यान सबसे बड़ा कुंजी होता है। कि अगर हम यहाँ पर हमको मन नहीं लग रहा है तो हम यहाँ से दूसरे जगह जाएँ, कोई ऐसा माहौल में जाए जहाँ हमको मन लगे, तो वहाँ से उसका ध्यान ख़त्म हो जाता है, फिर नए ध्यान में आप चले जाते हैं। तो ये सबसे दुख का मेन जरिया यही है कि आप कहीं पर हैं तो वहाँ पर से आप हट जाइए। अगर यहाँ पर आपको शोक में आ रहे हैं, कहीं परेशानियों में आ रहे हैं, तो यहाँ से आप दूसरे जगह जाइए, दूसरे माहौल में जाइए। वहाँ पर जाइएगा तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, दूसरी बात आपको दिमाग में आएगा, फिर जो आपको चिंतन रहेगा, बुरे विचार, बुरा प्रभाव, वो सब आपको हट जाएगा। सब यही है। और नहीं तो आप चिंतन, जितना चिंतन कीजिएगा, जितना उस पर ध्यान लगाइएगा, उतना ही आप दुखी रहिएगा। इसीलिए वो जो भी आपको विकार मन में आता है और ये समस्या सब होता है, तो वहाँ से ध्यान हटा दीजिए, कहीं ध्यान और लगाइए। अगर आपको यहाँ से नहीं हटते हैं, नहीं मन हटता है, तो आप स्वयं वहाँ से उठकर कहीं दूसरे जगह अच्छे माहौल में चले जाइए। वहाँ पर जाइएगा तो आपको दूसरे माहौल का वातावरण आपको दिमाग में प्रवेश होगा और वहाँ की वातावरण आपको समझ में आएगा। तो इसलिए ध्यान, जहाँ आप रहते ना उस जगह के ध्यान को महत्व दीजिए, और वहाँ से आप दूसरे जगह जाइएगा तो आपको सारा दुख हट जाएगा, परेशानियाँ जितना भी है। ऐसे तो होता है, ऐसे बदलते रहिएगा तो आपको हो जाएगा। दूसरे में व्यस्त रहिए, अपने आप को व्यस्त कीजिए। ये सब होता है ना कि जब खाली में रहते ना तभी ये सब आता है वायरस। अपने में व्यस्त रहिएगा ना तो ये सब परेशानियाँ नहीं होता है, और दुख मुसीबत को उतना वैल्यू मत दीजिएगा। अगर है तो रहेगा, उतना उसको वैल्यू दीजिएगा ना, किसी को जितना वैल्यू दीजिएगा ना उतना ही वो बेकार हो जाता है। ऐसे जैसे किसी इंसान को जितना मानिएगा तो बाद में पता चलेगा कि वो वही आपको धोखा देता है। इसीलिए उसको जितना है उसको दूर कीजिए, ठीक है। उससे यही सरल उपाय है, दूसरा अगर करते हैं तो नहीं होगा। कितना भी आप जाइएगा कि ये है वहाँ है, इसका कोई इलाज नहीं होता है। इसका ये हो जाता है ना कि इसका कोई इलाज नहीं, आपके पास कोई ओझा गुनी नहीं, कोई आपको डॉक्टर ये सब कोई नहीं ठीक कर सकता है। इसको अलग देखिएगा ना, कोई भी है तो थोड़ा दिन के लिए आपको ठीक भी करते हैं, कोई भी जादू टोने वाला है तो वहाँ से आपको थोड़ा ध्यान हटाएगा, यहाँ से वहाँ करेगा, फिर आपको छूट जाता है। तो ये है इसका सरल उपाय। और उसमें अगर डूबे रहिएगा तो आप डूबे रहिएगा, इसलिए आपको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो सबसे मेन चीज़ होता है कि ध्यान। अगर हमारे मन में ध्यान कोई चीज़ का बुरा विचार आता है तो हम उसको आने से पहले हम कहीं दूसरे चले जाए, दूसरे बात को, चाहे मोबाइल पास में है तो कुछ अच्छा वीडियो देखने लगे, जब भी मन में बुरा विचार आता है तो अच्छा चीज़ करने लगे, तब ये सब हट जाएगा। नहीं तो अगर उसी में डूबे रहिएगा तो धीरे धीरे पूरा आप उसमें डूब जाइएगा। जब पूरा डूबेगा तो आपको निकलना मुश्किल हो जाता है। किसी आदमी को देखते हैं कि अगर थोड़ा पानी में रहता है तो कहते हैं हम और आगे जाएंगे, जब बीच में जाता है तो उसको निकलना मुश्किल हो जाता है किसी इंसान को। इसी तरह से आप सोचिएगा निकलने के लिए तो नहीं निकल पाइएगा। अगर शुरू में थोड़ा ही अगर निकल जाते हैं तो आप बच सकते हैं, नहीं तो डूबने के बाद अब बचना मुश्किल हो जाता है। तो ये इसी तरह से होता है कि किसी को कहावत है ना कि यहाँ पर दुख सबसे बड़ा यही होता है कि आप दुख पर ध्यान देते हैं तो दुखी रहिएगा, अगर सुख पर ध्यान देते हैं तो ध्यान सबसे मेन चीज़ होता है। कि जिस पर आप ध्यान दीजिएगा ना वही आप रहिएगा। देखते हैं कि कितने महापुरुष ने जंगल में हर समय भगवान की ध्यान रखते हैं तो उनको क्या आनंद आता है। और इंसान हमेशा ध्यान ये चीज़ संसारी ध्यान में रखते हैं तो उसको संसारी नज़र आते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा दुखी रहते हैं। और जो भी भगवान की अथी में रहते हैं वहाँ पर उसको ज़्यादा आनंद आता है, वो मज़े में रहते हैं। फर्क इतना ही, जिस चीज़ पर आप ध्यान लगाइएगा वहीं पर आपको ध्यान रुकेगा। तो फिर इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसा ही वीडियो मोटिवेशनल आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।